आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले का बॉल बाय बॉल पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी शाहरुख खान और गौतम गंभीर दुनिया का महान सुपरस्टार मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। टाटा आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर हैदराबाद की टीम से था। दोस्तों आपको बता दें, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने इस मैच में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, दोनों टीम ने सेम टीम लेकर के पिछला टीम ही उतरा था मैदान में। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे कई सारे खिलाड़ी को शामिल किया गया था। दोनों टीमें मैदान में आई और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद मैच को फिर से स्टार्ट किया गया। दोस्तों आपको बता दें, मैच स्टार्ट होते के साथ ही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी क्रीज पर आई। बॉलिंग करने के लिए मिचेल स्टार्क अपना पारी संभाल रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने के लिए अटैकिंग मोड में नजर आए, उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे आज कोलकाता नाइट राइडर्स तूफानी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। पहले तीन गेंदों पर कोई भी रन ना देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने एक भी रन यहां पे नहीं देते हुए सदी हुई गेंदबाजी की शुरुआत की। लेकिन अगले ही गेंद पे दो रन लेकर के सनराइजर हैदराबाद की टीम ने अपना खाता खोला। दोस्तों आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने दो रन बनाए और अगले ही गेंद पे मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को चलता कर दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ दो रन बना करके ही आउट हो गया और यहां पर लगने वाला सनराइजर हैदराबाद को बहुत बड़ा झटका था। पहले ओवर की समाप्ति के बाद तीन रन पर एक विकेट गंवा दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पे शानदार सफलता ले चुका था, लेकिन इतने में ही दूसरा झटका लगा सनराइजर हैदराबाद की टीम को। यहां पे दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से हर्षित राणा, वैभव अरोरा आते ही ट्रेविस हेड को जीरो पे बोल्ड कर दिया, उसको देख करके तो ऐसा लग रहा था कि दो ओवर में छह रन पर दो विकेट गंवाने के बाद हैदराबाद की टीम पूरी बैकफुट पे नजर आ रही है। दोस्तों अगले ही बॉल पे इस पारी का पहला चौका मार करके टीम के खिलाड़ी ने अपने और अपने टीम का स्कोर को 11 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगले बॉल पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 15 रनों के पार पहुंचा दिया। तीन ओवर में टीम का स्कोर 15 रन था, लेकिन राहुल त्रिपाठी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इतने में ही टीम को एक और झटका लगा जो कि राहुल त्रिपाठी के रूप में था। दोस्तों आपको बता दें, तीन ओवर तीन विकेट गिरने के बाद 21 रन था कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। सनराइजर हैदराबाद की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। राहुल त्रिपाठी 9 रन बना करके आउट हो गए और 5 ओवर के बाद टीम का 24 रन हो चुका था, 3 विकेट के नुकसान हो चुके थे। अपने शुरुआती तीन बल्लेबाज गंवाने के बाद हैदराबाद की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक हैदराबाद की टीम का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष जो है वो बल्लेबाजी ही माना जाता था। दोस्तों लेकिन इस मैच में बुरी तरीके से बिखर गया और इस पारी का पहला छक्का भी यहां पे लगा। दोस्तों आपको बता, हर्षित राणा की बॉल पे शानदार छक्का मार करके टीम का स्कोर पहले पावर प्ले में 40 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही गेंद पे आते ही एडम मार्करम ने शानदार चौका जड़े और अगले गेंद पे एक और चौका जड़ करके टीम का स्कोर 47 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन सातवें ओवर में यहां पे बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे बहुत बड़ा नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि 10 गेंदों पर 13 रन मार करके आउट हो गए। यहां पे पहले पावर प्ले के समाप्त होने के बाद यहां पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया और टाइम आउट के बाद सुनील नारायण बॉलिंग करने के लिए 8 ओवर में टीम के 50 रन भी पूरे हो गए थे। अब यहाँ पर टीम ने आगे खेलना स्टार्ट किया और अगले गेंद पे शानदार चौका मार करके यहाँ पे हैदराबाद की टीम का स्कोर 58 रनों के पार चला गया। 9 ओवर के समाप्ति के बाद अपने प्रमुख चार बल्लेबाज को गंवाने के बाद यहाँ पे टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मार्करम ने शानदार दो चौके लगाए, लेकिन अगले गेंद पे बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों आपको बता दें, 62 पे 5 विकेट गंवाने के बाद हैदराबाद की टीम को ये बहुत बड़ा झटका लग चुका था। और दोस्तों जिस तरह से लगातार अंतराल पर विकेट गिर रहा था, एडम मार्करम 23 गेंदों पर 20 रन बना करके आउट हो गया। अब नए बल्ले शहबाज अहमद क्रीज पर आए थे। 64 पे 5 विकेट गंवाने के बाद हैदराबाद की टीम पूरी तरीके से फंस चुकी थी। लेकिन अगले ही बॉल पे शहबाज अहमद ने शानदार छक्का मार करके हैदराबाद की टीम में थोड़ी सी जान फूंकी। इतने में ही वरुण चक्रवर्ती अब बॉलिंग करने के लिए मैदान में आ चुके थे। दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस तो मानो कि सारे सेलिब्रिटी इस मैदान में खचाखच भरा हुआ था। जिस तरह से शानदार गेंदबाजी चल रहा था, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मैच कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। शहबाज अहमद 8 रन बना करके चलते बने। 71 छठवां झटका लग चुका था। कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पे काफी हावी नजर आ रहा था। 12 ओवर में 72 पे 6 विकेट गंवा चुकी हैदराबाद की टीम को सातवां झटका तब लगा जब एंडरसन ने यहां पे खिलाड़ी को चलता कर दिया। शाहरुख खान काफी खुश नजर आ रहे हैं, उसके सारे दर्शक भी खुश नजर आ रहे थे। यहां पे अब्दुल समद सिर्फ 4 रन बना करके आउट हो गए। अब कप्तान यहां पे आए थे मैदान में। कप्तान कमिंस ने शानदार चौका मार करके अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंचा दिया। 13 ओवर में टीम का स्कोर 82 पर 7 विकेट हो चुका था।
और दोनों बल्लेबाज से उम्मीद था कि कम से कम 125 रनों का टारगेट यहां पे दिया जाए अगले ही गेंद पे। फिर एक और चौका मार करके यहां पे कप्तान ने टीम का स्कोर 90 रनों के करीब पहुंचा दिया। जिस तरह से यहां पे बल्लेबाजी हो रहा था, 14 ओवर में टीम ने 90 रन बना लिए थे अपने 7 विकेट गंवाने के बाद। हर्षित नारायण ने यहां पे बहुत बड़ा झटका दिया और टीम को यहां पे 8वां झटका लगा। 14.1 ओवर में 94 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा चुकी। यहां पे दोस्तों आपको बता दें कि हैंडी क्लासन को आउट करके हर्षित राणा ने एक और जो सबसे बड़ा उम्मीद था हैदराबाद की टीम का उसको भी ध्वस्त कर दिया और 15 ओवर की समाप्ति के बाद 90 पे 8 विकेट गंवा चुकी हैदराबाद की टीम। अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। यहाँ पे टाइम आउट दूसरा लिया गया और टाइम आउट के बाद फिर से खेल स्टार्ट हुआ। 16.3 ओवर में 99 पे 8 विकेट गंवा चुकी हैदराबाद की टीम किसी तरह से यहाँ पे 100 रन अपने पूरे कर लिए और 100 रन पूरे करने के लिए दोस्तों आपको बता दें 17 ओवर लग गए और अपने 8 विकेट गंवा चुके थे। यहाँ पे शानदार छक्का मार करके कमिंस ने अपने टीम का स्कोर 107 रनों के पार पहुंचा दिया। कमिंस कुछ हाथ दिखाते हुए नजर आ रहे थे लेकिन इतने में ही बहुत बड़ा झटका लगा और यहाँ पे रिव्यू ले गया। रिव्यू में साफ दिख रहा था खिलाड़ी आउट है और रिव्यू में आउट देख करके एम्पायर का फैसला भी आउट हुआ और एम्पायर ने अपना फैसला चेंज किया, आउट दिया। यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला 9वां सफलता और हैदराबाद की टीम को लगा 9वां झटका। यहाँ पे जयदेव उनादकर 4 रन बना करके आउट हो गए। इसके साथ ही अब भुवनेश्वर कुमार और कमिंस की लास्ट जोड़ी क्रीज पर थी। दोस्तों आपको बता दें कमिंस तो चाहते थे कि छक्का चौका मार करके टीम का स्कोर कुछ आगे बढ़ाया जाए लेकिन रसल ने यहाँ पे अपना पारी का 3रा सफलता और टीम का लास्ट विकेट भी खत्म कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 113 पर पूरी हैदराबाद की टीम सिमट गई। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा अनुभवी और प्रभावशाली गेंदबाज साबित हुए अंडरसल। अंडरसल ने इस पारी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया। हैदराबाद की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन 20 एडम मार्करम ने बनाया। दोस्तों आपको बता दें नहीं कप्तान कमिंस ने 24 गेंदबाजी की बात करें तो अंडरसल सबसे ज़्यादा 3 विकेट, बाकी गेंदबाज 2-2 1-1 विकेट लिए। दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए लक्ष्य सिर्फ 114 रन चाहिए 20 ओवर में। 114 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में रमनुल्ला गुरबाज और उसका साथ देने के लिए सुनील नारायण क्रीज पर आए। दोस्तों आपको बता दें कि पहला ओवर डाल रहे थे भुवनेश्वर कुमार लेकिन उसका स्वागत शानदार चौका ला करके यहाँ पे किया। दोस्तों आपको बता दें दूसरे ही गेंद पे रमनुल्ला गुरबाज ने शानदार चौका मार करके पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार के 5 रन बना डाले। आप यहाँ से टीम को सिर्फ 109 रन चाहिए था लेकिन अगले ही गेंद पे शानदार छक्का मार करके सुनील नारायण ने पैट कमिंस कप्तान को हैदराबाद का उसका औकात याद दिला दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अगले ही गेंद पे शानदार बॉल करके पैट कमिंस ने सुनील नारायण को आउट करवा दिया। इसके साथ ही सुनील नारायण को आउट करते ही टीम को बहुत बड़ा झटका लगा और पूरे कोलकाताई मैदान में सन्नाटा छा गया। दोस्तों आपको बता दें वहीं पे हैदराबादी फैंस काफी खुश नजर आ रहे थे। सुनील नारायण 6 रन बना करके 2 गेंदों का सामना कर पैट कमिंस का शिकार बने और इसके साथ ही सुनील नारायण चलते बने। दोस्तों आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पे बात आती सी बल्लेबाजी हो रहा था, वेंकटेश अय्यर ने आते ही शानदार छक्का और चौका जड़ करके टीम का स्कोर 27 रनों के पार पहुंचा दिया था। अगले ही गेंद पे शानदार छक्का, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का जड़ करके टीम का स्कोर 35 रनों के पार पहुंचा दिया। 3 ओवर में यहाँ पे टीम ने 39 रन बना लिए थे और शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे उसका साथ दे रहे थे रमनुल्ला गुरबाज। 3 ओवर में 39 पे 1 विकेट गंवाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आग उगल रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे मुंबई के फैंस भी आए हुए थे कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच देखने के लिए। जहाँ पे शाहरुख खान का पूरा टीम था तो वहीं पे जूही चावला का भी पूरा टीम मैदान में खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज यहाँ पे आग उगल रहे थे, अगले ही गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 42 रनों के पार पहुँचा दिया और यहाँ पे टीम को सिर्फ अब यहाँ से 60-65 रन चाहिए थे। 4 ओवर में 40 पर 1 विकेट गंवा चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। अगले गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुँचा दिया। रमनुल्ला गुरबाज 19 और वेंकी 20 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर 50 रनों के पार जा चुका था और अशतक भी अपना टीम पूरा कर चुका था। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाज कंपटीशन में बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां पे 5 ओवर में टीम के 51 रन पूरे हो चुके थे। अगले गेंद पे शानदार छक्का मार करके टीम का स्कोर 58 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के हर अंतराल पे लगा रहे थे। जिस तरह से बल्लेबाजी चल रहा था ऐसा लग रहा था ये मैच मानो 20 ओवर का नहीं सिर्फ 8-10 ओवर का
का ही है। 60 रन बनाने के बाद टीम का एक विकेट गंवाने के बाद यहाँ पे गौतम गंभीर का एक बार फिर से कोचिंग स्टाफिंग नजर आ रहा था। दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। अगले गेंद पे शानदार छक्का मार करके टीम का स्कोर 66 रनों के पार चला गया और दोनों के बीच 55 रनों की अटूट साझेदारी भी हो चुकी थी। इस छक्के के साथ ही टीम का स्कोर 66 रनों के पार चला गया। दोनों के बीच 55 रनों की अटूट साझेदारी हो चुकी थी और सभी बॉलर को खूबी धुनाई हो रहा था, जहां पे नटराजन को भी नहीं छोड़ा गया। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी कर चौके छक्के मार रहे थे। शाहरुख खान यानी कि किंग खान भी काफी खुश नजर आ रहे थे। वेंग की 333 का स्ट्राइक रेट से रन बनाते पहले पावर प्ले के समाप्त होने तक टीम ने 72 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ पे टाइम आउट हुआ और टाइम आउट के बाद फिर से बल्लेबाजी स्टार्ट हुआ। बल्लेबाजी के बाद गुरबाज 21 रनों का आगे खेलना स्टार्ट किया। वेंकटेश अय्यर 40 और यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए शहबाज अहमद नए बॉलर क्रीज पर आए। 72 पर एक विकेट गंवा चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले ही गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंचा दिया। गुरबाज ने अपने स्कोर को 25 और टीम का स्कोर 82 रनों के पार पहुंचा दिया। अगले ही गेंद पे शानदार छक्का मार करके टीम का स्कोर 83 रनों के पार पहुंचा दिया। यहां से टीम को सिर्फ 31 रनों की दरकार थी। जहां पे देख रहे थे आप दोस्त कि जैसा के बीबी और उसकी माँ भी क्रिकेट को देखने के लिए आई हुई थी। फाइनल मैच दोस्तों आपको बता दें 7 ओवर में 84 रन पर एक विकेट गंवा चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को सिर्फ आप यहां से 77 गेंदों पर 29 रन चाहिए था। और शाहरुख खान गौतम गंभीर में आपको कौन बेस्ट लगता है और कौन अपने स्टार है अपने जमाने का, कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहां से आतिशी बल्लेबाजी कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लग रहा था ऐसे कि आने वाले 5-6 गेंदों में ही जीत जाएंगे। 8 ओवर में टीम ने 90 रन प्लस स्कोर बना चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें कि 96 पर एक ही विकेट गंवा चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहाँ पे शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। चेन्नई के चेपोक में आतिशी बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला था। अगले गेंद पर शानदार छक्का लगा करके वेंकी ने अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से वेंकी और गुरबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गुरबाज के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा। गुरबाज 39 रन बना करके आउट हो गए और वेंकटेश अय्यर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर में टीम का 111 पर दो विकेट गंवा चुकी थी। अब टीम को सिर्फ 2 रन चाहिए था। अगले ही गेंद पे शानदार एक रन लेकर के मैच को ड्रॉ कर दिया और अगले गेंद पे एक रन लेकर के टीम ने इस मैच को जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 34वें फाइनल में तीसरे फाइनल जीत लिया है। दोस्तों आपको बता दें कोलकाता नाइट राइडर्स इससे पहले सिर्फ 3 फाइनल खेला था, ये 4th फाइनल था और 4 फाइनल में से कोलकाता नाइट राइडर्स 3 फाइनल जीत चुका है। 2012-14 और अब 10 साल बाद 2024 का भी मुकाबला जीत चुका है। इसके साथ ही शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 3rd मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन गई है, जो कि CSK मुंबई के बाद तीसरा टीम है जो कि 3 ट्रॉफी जीत चुका है। दोस्तों आपको बता दें इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम इतिहास में दर्ज कर लिया और तीनों बार इस टाइटल का चैंपियन रहा शाहरुख खान और गौतम गंभीर। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन तीनों बार अगुवाई किया टीम का वो गौतम गंभीर, 2 बार कप्तान, 1 बार मेंटोर के रूप में, और गौतम गंभीर नहीं थे तो इस टीम बेहद ही कमजोर नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कुछ भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।